9 जून से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई और तब से लगातार हिंसा हो रही है। नामांकन के दौरान एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज दक्षिण 24 परगना से बमबाजी की खबरें आई है। आज तक की टीम मौके पर पहुंची, कैमरे में जिंदा बॉम्ब्स भी कैद हुए तस्वीरों में। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास पुराना है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि 2003 से लेकर 2018 तक के पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में कितने लोगों की जान गई। आंकड़ों पर भरोसा करें तो 2003 में पंचायत चुनाव के दौरान 76 लोगों की मौत हुई थी और पिछली बार यानी 2018 में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अगर हम सियासी हिंसा में मौत की बात करें तो 2021 में पूरे भारत में सियासी हिंसा में 80 लोगों की जान गई, जिसमें से 7 लोग पश्चिम बंगाल के थे, यानी करीब 10%। आप मेरे दूसरी तरफ देख रहे हैं कि 9 जून से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में कहां कहां हिंसा हुई है। 9 जून की रात मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आज हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि 2018 के पंचायत चुनाव के नतीजे क्या रहे थे और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। पिछले पंचायत चुनाव में टीएमसी ने करीब 78% वोट हासिल किया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हो रही हिंसा ने कलकत्ता हाई कोर्ट है उसे भी हैरान कर दिया। अदालत ने केंद्रीय बलों की तैनाती के निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंसा कर कौन रहा है, हिंसा के पीछे का मकसद क्या है और हिंसा का ये काल चक्र आखिर पश्चिम बंगाल में टूटता क्यों नहीं है। धमाका नंबर 1, धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3, धमाका नंबर 4, धमाका नंबर 5। गिनती कम पड़ जाएगी, जगह जगह धमाके हो रहे हैं। बंगाल के पंचायत चुनाव में सच पूछिए तो बमों की आतिशबाजी हो रही है और पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। बम धमाकों की ये सीरियल तस्वीरें दक्षिण 24 परगना के भंगार इलाके की हैं। आरोप है कि पहली बार चुनाव लड़ने उतरी आईएसएफ पार्टी का उम्मीदवार जब बीडीओ ऑफिस में नामांकन भरने पहुंचा तो टीएमसी समर्थकों ने बमबारी की। बीजेपी के अमित मालवीय ने यही वीडियो जारी कर टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, लेकिन टीएमसी का कुछ और ही कहना है। भावर का जो आईएसएफ का जो एमएलए है वो काल से वो इधर से सब गुंडा, वो जो गुंडा लोग है वो सबके इकट्ठा करके वो भावर का जो माजराइट एक जगह है वहां से गोली बमा बंदूक सब लेकर हमारा जो कर्मी आया है वो नॉमिनेशन के लिए सोनपुर में अटैक किया। दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके की कुछ और तस्वीरें देखिए। पलटी हुई गाड़ियां, गाड़ियों के टूटे शीशे, तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सियासी रक्त चरित्र की गवाही दे रही हैं। बताया जाता है कि करीब 150 बम बरसाए गए, यानी बमों की बारिश। आज तक की टीम जब भांगर के कथालाविया गांव पहुंची तो वहां तोड़फोड़ की शिकार दो गाड़ियों में 2 जिंदा बम पड़े मिले। अभी हम मौजूद है दक्षिण 24 परगना की भांगर ब्लॉक में और यहाँ सुबह से राजनीतिक हिंसा जारी है। यहाँ हम लोग अभी 2 गाड़ी देख सकते हैं और गाड़ी का अंदर अभी भी बॉम्ब मौजूद है। कैमरा पर्सन तिरंजीत दास को एक बार बोलूंगा दिखाने के लिए, अभी भी गाड़ी के अंदर बॉम्ब दिख रहा है। ये बॉम्ब मौजूद किया गया था यहाँ, जो कहा जा रहा है, जो आरोप किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की एक रिलेटिव का गाड़ी है। ये 2 गाड़ी तोड़ दिया गया है, पूरा गाड़ी आप देख सकते हैं, ये विजुअल कैमरा पर्सन क्रिजिन दास दिखा रहा है और इस ये गाड़ी का सीट के नीचे भी और एक बॉम्ब दिखा रहा है यहाँ पे। पंचायत चुनाव में बमबारी से धुआं धुआं हो रहा है। बंगाल कोलकाता से लेकर दक्षिण 24 परगना तक सरेआम धमाके हो रहे हैं, पथराव, तोड़फोड़, आंसू गैस के गोले भी चल रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के भानगर से आई हिंसा की ये तस्वीरें हालात पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। वहां हालात कितने खराब हैं ये आप इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। यहाँ पे तृणमूल और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प सामने आया है और ये हाईवे है, बासंती हाईवे, और यहाँ पर अगर आपको यहाँ की स्थिति दिखाएं, कैमरा पर्सन प्रसून आपको दिखाएंगे कि ये एक मार्क है। यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे बमबाजी हुई थी। ऐसे ही स्थिति यहाँ पे लोग ज्यादा हो रहे थे। यहाँ पर देखिए रैफ सामने वो जा रहे हैं ताकि एरिया डोमिनेशन किया जाए। रैफ की तरफ से टियर शेल्स फोड़े जा रहे हैं और
वहां से पत्थरबाजी भी हो रही है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा का दौर लगातार जारी है। अभी नॉमिनेशन चल रहा है लेकिन अभी से हिंसा की तस्वीरें दिख रही हैं। कई इलाकों में बमबारी हुई है, बमों का जखीरा मिल रहा है, कार से बम बरामद हो रहे हैं, बाल्टियों में बम बरामद किए जा रहे हैं। এই গ্রামে গ্রামে কারা বোমা ফাটাচ্ছে, কারা সাপ্লাই করছে বোঝাই যাচ্ছে। আমরা যখন অভিযোগ করি যে টিএমসির লোকেরাই বোমার কারখানা করছে, বোমা বিক্রি করছে, বোমা ফাটাচ্ছে, তখন টিএমসির লোকেরা আমাদের দিকে আঙুল তোলে। এত পরিষ্কার হলো নেতার গাড়ির মধ্যে বোমা নিয়ে ঘুরছে, কিরকম এসব গুন্ডা তৃণমূল কা নেই, বিজেপি কা দল ছুট হুয়া, কংগ্রেস কা দল ছুট হুয়া গুন্ডা, উসকো কাম হ্যায় তৃণমূল কা शरीर पर काली का दाग लगाना, वो कर रहे हैं लेकिन वो पकड़ जाएगा जल्द से जल्द। तो कहीं बम चल रहे हैं, कहीं लाठियां भांजी जा रही है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है, कहीं पुलिस के साथ भिड़ंत। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसक घटनाएं अलग अलग हिस्सों में हो रही है। दक्षिण 24 परगना में हालात अब बेहद हिंसक हो चुके हैं। यहाँ कल भी हिंसा हुई, आज भी हिंसा की खबर है। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में तो टीएमसी के समर्थक ही आपस में भिड़ गए। मंगलवार को इस इलाके में हर तरफ हिंसा की तस्वीरें नजर आ रही थी। हाथों में हथियार लिए बीते दिन भीड़ इधर से उधर भाग रही थी। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में तलवार, पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर कपड़ा लपेटे हथियारबंद भीड़ रक्तपात मचाने निकली थी और बंगाल पुलिस बेबस लाचार बनी सब देख रही थी। इन तस्वीरों में देखिए, लठ लिए ये लाठीधारी पुलिस के बगल से गुजर रहे। इलाके में धारा 144 लगी है और ये तमाम पुलिस वाले कुर्सियों पर बैठे आराम फरमा रहे। उधर सड़क पर हथियार लिए लोग घूम रहे हैं लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में चुनाव है, नामांकन का आज 5वां दिन है। पिछले 4 दिनों से हिंसक घटनाएं हो रही हैं। एक हत्या मुर्शिदाबाद में हो चुकी है, बम फूट चुके हैं, पत्थरबाजी हो चुकी है, नामांकन भरने से रोकने की कई घटनाएं सामने आई हैं। तो कहीं समर्थकों में झड़प हो रही है, कहीं उम्मीदवार पर हमले, कहीं सरकारी दफ्तर पर हमला। बीते 4 दिनों में मुर्शिदाबाद के डोमकल, दक्षिण 24 परगना के भांगर, उत्तर 24 परगना के मीना खान, बीरभूम जिले के लालपुर ननूर, पूर्वी बर्दवान जिले के बरसूल, पश्चिमी बर्दवान जिले के जमुरिया, बांकुरा जिले के सोनामुखी में हिंसक घटनाएं हो चुकी है। साफ साफ दिख रहा है कि पंचायत चुनाव में भी बंगाल की राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, यहाँ तक कि खून खराबे पर उतर आई है। क्योंकि बंगाल की हार किसी को बर्दाश्त नहीं, भले ही वो पंचायत का चुनाव ही क्यों ना। मुझे नहीं लगता कि वायलेंस ज्यादा हो रहा है। अभी तक 8 तारीख नॉमिनेशन शुरू हुआ, एक आदमी का मौत हुआ मुर्शिदाबाद में और ज्यादा लोग इंजर्ड भी नहीं हुआ। गोटा राज्य 50 बेसी ब्लॉके लूट कर गुंडारा और राजीव सिन्हा মমতা ব্যানার্জির একটা পেট ডগ এবং মমতা ব্যানার্জির ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশনে বসে এই জিনিস করছে এবং আমরা সেফ ডেমোক্রেসির জন্য আমাদের লড়াই চলছে চলবে। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में अभी नॉमिनेशन का ही दौर चल रहा है। 9 जुलाई को मतदान होना है, 11 जुलाई को नतीजे आने हैं। ग्राम पंचायत की 63,229 सीटें, पंचायत समिति की 9,730 सीटें, जिला परिषद की 928 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संवेदनशील जिलों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का आदेश दिया है लेकिन हिंसा की तस्वीरें बता रही है कि ग्राउंड जीरो पर हालात नियंत्रण में नहीं है। दक्षिण 24 परगना से राजेश साहा, ऋत्विक मंडल और सूर्याग्नि के साथ आज तक ब्यूरो।